This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. टेक्नोलॉजी में हुई तरक्की ने मॉडर्न वर्ल्ड का रूप बदल कर रख दिया है। रेडियो टीवी के बाद कंप्यूटर और अब स्मार्टफोन, इनके बिना इंसान की लाइफ जैसे रुक ही जाती है। लेकिन इनकी इम्पोर्टेंस बिना इंटरनेट के अधूरी है। इंटरनेट ने ही इंसान को सोशल मीडिया से जोड़ कर रखा है। हर समस्या का हल इंटरनेट के पास है और गूगल बाबा का तो क्या कहना। गूगल जितना लोगों की समस्याएं दूर करने में हेल्पफुल है, उतना ही लोग इसका गलत इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटते। इसकी मदद से ही अपराधी भी नए नए तरीके तलाशते हैं और अपने मंसूबों को पूरा करते हैं। ऐसी ही घटना है केरला की, जहां अपराधी ने कत्ल करने और लाश ठिकाने लगाने के तरीके गूगल पर सर्च किए और अपने अपराध को अंजाम दिया। अपनी प्लानिंग से वो हर तरह से बच रहा था, लेकिन इस गूगल सर्च से ही उसके अपराध की सच्चाई खुली और वो जेल के सलाखों के पीछे पहुंच गया। हमारी आज की कहानी है केरला से। जी नहीं, मैं फिल्म द केरला स्टोरी की बात नहीं कर रही। हाँ, हमारी कहानी केरला स्टेट की एक लव स्टोरी ज़रूर है, जिसका अंत बहुत दुखद था। केरला का कोल्लम डिस्ट्रिक्ट, यहाँ प्रशांत नाम्बियार नाम का एक युवक था जिसकी उम्र थी 33 साल। प्रशांत एक प्राइवेट स्कूल में म्यूज़िक टीचर था, कुछ होम ट्यूशंस भी लेता था, ठीक ठाक कमाई थी। प्रशांत की शादी हो चुकी थी। 2019 में प्रशांत के घर बेटे का जन्म हुआ। परिवार में सभी बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद घर में बेटे के नामकरण का फंक्शन रखा गया। सभी रिश्तेदारों को बुलाया गया। इसमें प्रशांत की पत्नी की तरफ से भी काफ़ी रिश्तेदार समारोह में शामिल हुए। इन्हीं रिश्तेदारों में सुचित्रा पिल्लई नाम की एक महिला भी थी। ये प्रशांत की पत्नी की दूर की रिश्तेदार थी और एक धनी परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। सुचित्रा अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। वो एक ब्यूटिशियन ट्रेनर थी। कोल्लम की ही एक ब्यूटिशियन एकेडमी में वो काम करती थी और अच्छा कमाती थी। 42 वर्षीय सुचित्रा तलाकशुदा थी। उसकी 2 बार शादी हो चुकी थी, लेकिन दोनों ही शादियां असफल रही थी। और अब शादी जैसे रिश्ते में सुचित्रा का विश्वास नहीं था और वो शादी ही नहीं करना चाहती थी। प्रशांत के बेटे के नामकरण समारोह में पहली बार सुचित्रा और प्रशांत की मुलाकात हुई थी। पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए थे। सुचित्रा प्रशांत की वाइफ की रिश्ते में बहन लगती थी। प्रशांत भी सुचित्रा को दीदी कहकर ही बुलाता था, पर यह रिश्ता धीरे धीरे बदलने लगा। दोनों फ़ोन पर लंबी लंबी बातें करते थे। सोशल मीडिया पर भी चैट्स होने लगी। सुचित्रा वैसे ही अकेली थी। प्रशांत के रूप में उसे एक दोस्त मिल गया था, लेकिन अब प्रशांत भी सुचित्रा की तरफ आकर्षित हो रहा था। दोनों की उम्र में लगभग 10 साल का अंतर था, पर यह आकर्षण जल्दी ही इस अंतर को पार कर गया। दोनों अब घर से बाहर भी मिलने लगे। सबके सामने दोनों रिश्तेदार की तरह ही मिलते और प्रशांत सुचित्रा को दीदी ही कहता था, लेकिन दुनिया की नज़रों से दूर इनका रिश्ता गहरा हो रहा था। कहा जाता है कि सुचित्रा के लिए तो प्रशांत उसके अकेलेपन में एक साथी की तरह था, लेकिन प्रशांत के लिए सुचित्रा एक ATM की तरह थी। उसने कई बार थोड़ा थोड़ा करके सुचित्रा से पैसे उधार लिए थे। सुचित्रा अच्छा कमाती थी। प्रशांत के प्यार में वो भी लगातार पैसे से उसकी मदद करती थी। 2019 में मुलाकात के बाद 2020 तक प्रशांत सुचित्रा से लगभग 2.5 लाख रुपया ले चुका था, जिसे लौटाने का प्रशांत का कोई इरादा नहीं था। प्रशांत शादीशुदा था और एक बच्चे का बाप भी। फिर भी दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था। दोनों को पता था कि उनकी शादी नहीं हो सकती और ना ही दोनों में से किसी का इरादा था शादी करने का। अब दोनों बिना किसी बंधन में बंधे इस रिश्ते को जिए जा रहे थे। 2020 तक आते आते सुचित्रा, जो शादी के बंधन से ऊब चुकी थी और कभी भी शादी ना करने का इरादा बना चुकी थी, इस रिश्ते के बाद उसके मन में भी बच्चे, फैमिली जैसी चीज़ों के लिए अरमान जागने लगे। शादी की तो नहीं, लेकिन माँ बनने की उसकी इच्छा बढ़ने लगी। उसे लगा कि बच्चा होने से उसकी बाकी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। वो बच्चा गोद लेने की बजाय खुद माँ बनना चाहती थी। फरवरी 2020 में उसने अपनी ये इच्छा प्रशांत को बताई कि वो माँ बनना चाहती है और उसे प्रशांत से एक बच्चा चाहिए। प्रशांत, जो अभी तक अपने नाजायज रिश्ते को बड़ी आसानी से दुनिया से छुपाए हुए था, वो सुचित्रा की बात सुनकर घबरा गया। बिना शादी के सुचित्रा का माँ बनना मुश्किल था,
इससे उनका रिश्ता उजागर हो सकता था। अगर ये बच्चा हो भी गया तो हो सकता है कि फिर सुचित्रा बच्चे को बाप का नाम देने की जिद करे, और प्रशांत इस सब के लिए कतई तैयार नहीं था। उसने सुचित्रा को बहुत टालने की, समझाने की कोशिश की, लेकिन सुचित्रा जिद पर अड़ी थी। प्रशांत के लिए उसे टालना मुश्किल हो रहा था। अब वो इस रिश्ते से निकलना चाहता था, लेकिन ये आसान नहीं था। कहीं सुचित्रा उसे बदनाम ना कर दे, कहीं वो अपना पैसा वापस ना मांगने लगे। प्रशांत बुरी तरह फंसा हुआ था। अब वो रोज़ इस सब से बचने के तरीके ढूंढने लगा। बहुत सोचने के बाद उसे एक ही तरीका सूझा कि किसी तरह सुचित्रा को ही रास्ते से हटा दिया जाए। मार्च 2020 की शुरुआत हो चुकी थी। अब उसने सुचित्रा को रास्ते से हटाने के तरीके ढूंढने शुरू किए। क्राइम सीरियल्स, फिल्म देखना, अखबार मैगजीन पढ़ना शुरू किया। कहाँ से आइडिया लिया जाए, कौन सा आइडिया सेफ होगा जिससे वो भी बच सके। जब उसे कुछ भी समझ नहीं आया तो एक रात उसने गूगल सर्च इंजन पर सर्च करने के लिए टाइप किया, हाउ डिड स्पिरिचुअल गुरु किल हिज वाइफ। गूगल पर बताए गए तरीकों में से एक उसने चूज़ किया, और उसने अब सारा प्लान बनाया कि कहाँ करना है और कैसे करना है। इस प्लान के तहत उसने अपनी बीवी को बच्चे के साथ मायके भेज दिया। साथ में रहने वाले माता पिता को भी कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए भेज दिया। इसके बाद उसने सुचित्रा को फ़ोन किया कि घर में कोई नहीं है, सब घूमने गए हैं, घर खाली है, तुम 2-3 दिन के लिए यहाँ आ जाओ। सुचित्रा खुशी खुशी राज़ी हो गई। उसने अपने घर में झूठ बोला कि उसे अपनी एकेडमी की तरफ से ट्रेनिंग क्लासेस के लिए कोची जाना है, वो 22 मार्च तक लौट आएगी। 17 मार्च को वो अपनी एकेडमी पहुंची। वहां भी उसने झूठ बोला कि वो किसी बीमार रिश्तेदार से मिलने जा रही है और 22 मार्च तक वापस लौट आएगी। 18 मार्च को प्रशांत के गांव से दूर हाईवे पर उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। ऐसा करने के लिए प्रशांत ने ही उसे कहा था, और इसके बाद ही वो प्रशांत के घर पहुंची। प्रशांत का ये घर पलक्कड़ के श्रीराम नगर में एक किराए का मकान था। ये घर आबादी से काफ़ी दूर था। शाम होते ही यहाँ अंधेरा हो जाता था। प्रशांत ने सुचित्रा को काले कपड़े पहनकर आने को कहा था, ताकि अंधेरे में किसी को कुछ भी पता ना चल सके। 19-20 मार्च तक दोनों उसी घर में रहते हैं। 20 मार्च की रात जब सुचित्रा सोने के लिए बिस्तर पर लेटी थी, तब प्रशांत घर के एक लैंप की तार लेकर आया और सुचित्रा पर टूट पड़ा। सुचित्रा ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने वो तार सुचित्रा के गले पर लपेटा और तब तक खींच कर दबाया जब तक सुचित्रा ने दम नहीं तोड़ दिया। उसके मरने के बाद लाश ढक कर वो आराम से बैठ गया। वो 2-3 घंटे तक सोचता रहा कि लाश का क्या करे। उसने कुछ फिल्में भी देखी। जब कुछ समझ नहीं आया तो एक बार फिर उसने गूगल पर सर्च करने के लिए टाइप किया, हाउ टू डिस्पोज द बॉडी। अब एक बार फिर गूगल के बताए तरीकों से तसल्ली करने के बाद वो लाश के गहने उतारता है, लाश के टुकड़े करता है। घर के पीछे एक गड्ढे में वो टुकड़े डालकर मिट्टी और पत्थर डालकर दबा देता है। ऊपर से उसने सीमेंट के ब्लॉक से भी कवर कर दिया, ताकि कोई जानवर वहाँ की मिट्टी ना हटा सके। इसके बाद वो सुचित्रा के स्विच ऑफ फ़ोन को लेकर अपने घर से 70-80 किलोमीटर दूर त्रिशूर नाम की जगह पे गया। वहाँ के मनुश्री पुलिस स्टेशन के पास उसने उस फ़ोन को ऑन किया। 20-25 मिनट तक ऑन रखने के बाद प्रशांत ने एक पत्थर से उस फ़ोन को तोड़ दिया। फ़ोन के टुकड़े और सिम सब उठाकर पास के ही एक नाले में फेंक कर वो घर वापस आ गया। प्रशांत ये सब पूरी प्लानिंग के तहत कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि सुचित्रा के गायब होने के बाद पुलिस कॉल डिटेल्स और लोकेशन पता लगाएगी तो त्रिशूर की लोकेशन ही आएगी, जो उसके घर से बहुत दूर है। घर पहुंचकर उसने सुचित्रा के सारे कपड़े, हैंडबैग और सारे सामान को जला दिया। लाश काटने के हथियार ज़मीन में दबा दिए। अपने फ़ोन में से भी उसने सारी कॉल डिटेल्स, फ़ोटोज़ और चैट्स डिलीट कर दी। सुचित्रा 22 मार्च तक घर वापस आने का कहकर निकली थी। जब सुचित्रा वापस नहीं लौटी तो उसकी माँ ने उसे फ़ोन करना शुरू किया, लेकिन सुचित्रा का फ़ोन स्विच ऑफ था। उन्होंने सुचित्रा की एकेडमी में पता किया तो उन्होंने बताया कि एकेडमी ने उसे किसी भी ट्रेनिंग क्लास के लिए नहीं भेजा है, बल्कि वो तो वहाँ भी झूठ बोल कर गई थी। 23 मार्च 2020 को अब माँ बाप ने घबरा कर सुचित्रा की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने छानबीन शुरू की। सुचित्रा के फ़ोन की CDR निकलवाई गई। सुचित्रा का फ़ोन 18 मार्च को हाईवे पर बंद हुआ था और फिर 20 मार्च की रात त्रिशूर में ऑन हुआ था, जिसके बाद से वो लगातार स्विच ऑफ ही था। पुलिस यहां से वहां छानबीन करती रही, पर कुछ पता नहीं चला। इस वक्त वैसे ही देश में लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी थी, इसलिए भी पुलिस को इस केस में
बहुत परेशानी आ रही थी, छानबीन करना मुश्किल हो रहा था। अभी तक सब कुछ प्रशांत की प्लानिंग के हिसाब से ही हो रहा था। कोई क्लू ना मिलने पर अब पुलिस लगभग एक साल पुरानी CDR निकलवाती है ताकि हिस्ट्री में से कुछ पता चल सके। यहाँ पुलिस को प्रशांत का नंबर मिलता है जिससे सुचित्रा रेगुलर टच में थी। लंबी लंबी कॉल्स होती थी, सोशल मीडिया के चैट्स पर भी ये रेगुलरली एक्टिव थे, या कहें तो सुचित्रा की बातें सिर्फ प्रशांत से ही होती थी। पुलिस सीधा प्रशांत के घर पहुंचती है, उसका फ़ोन कब्जे में लेती है जिसमें से प्रशांत पहले ही सब कुछ डिलीट कर चुका था। सुचित्रा के बारे में पूछने पर वो कहता है कि वो उससे नहीं मिला। पुलिस को गुमराह करने के लिए वो महाराष्ट्र में सुचित्रा के किसी फ्रेंड के होने का झूठ भी बोलता है कि शायद सुचित्रा उसी से मिलने गई होगी। उसके बताने पर पुलिस महाराष्ट्र जाकर भी तलाश करती है, लेकिन वहाँ भी कोई सुराग नहीं मिलता। सब तरफ से छानबीन करने के बाद पुलिस के शक की सुई घूम फिर कर फिर प्रशांत पर ही टिक जाती है, लेकिन कोई सबूत नहीं था। थक हार कर पुलिस ने फॉरेंसिक टीम से मदद मांगी। तब फॉरेंसिक टीम ने प्रशांत के फ़ोन से डिलीटेड हिस्ट्री को रिट्रीव किया। जब ये सारी डिलीटेड हिस्ट्री सामने आई तो प्रशांत और सुचित्रा के रिश्ते की सच्चाई पूरी तरह सामने आ गई। लेकिन रिश्ता होने का मतलब ये नहीं था कि प्रशांत ने कुछ किया है। सुचित्रा जिंदा है या मारी गई है, 17 मार्च के बाद वो प्रशांत से मिली भी थी या नहीं, ऐसा कोई सबूत नहीं था। और प्रशांत तो हर बात से इनकार ही कर रहा था। इस दौरान उसके फ़ोन की लोकेशन भी लगातार उसके घर की ही थी। अब फॉरेंसिक टीम एक बार फिर एक्टिव होती है, प्रशांत की सोशल मीडिया की एक्टिविटी को और खंगाला जाता है। तब प्रशांत के गूगल सर्च की हिस्ट्री में की गई सर्च ने सारे सबूत उनके सामने रख दिए, जिसमें पहला था हाउ स्पिरिचुअल गुरु किल हिज वाइफ और दूसरा 20 मार्च की रात हाउ टू डिस्पोज द बॉडी। अब पुलिस का शक यकीन में बदल चुका था। गूगल सर्च की डेट्स और सुचित्रा के गायब होने की डेट्स भी मैच कर रही थी। वैसे भी कोई आम इंसान आधी रात को ऐसी सर्च क्यों करेगा। प्रशांत नामियार को हिरासत में लिया जाता है। प्रशांत के घर और आसपास की तलाशी ली जाती है। घर से सुचित्रा के जलाए हुए सामान के अंश मिलते हैं। वहीं घर के पीछे बने गड्ढे से इंसानी लाश के टुकड़े भी मिले, जिन्हें फॉरेंसिक लैब भेजा जाता है। DNA से ये साबित हो गया कि ये सुचित्रा की लाश के ही टुकड़े हैं। अब ये साबित हो चुका था कि सुचित्रा उस घर में थी, वो लाश के टुकड़े भी सुचित्रा के थे। लेकिन कत्ल प्रशांत ने ही किया है ये प्रूव करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि प्रशांत तो लगातार इस सबसे इनकार कर रहा था। इस मामले में कोई चश्मदीद नहीं था, इसलिए साइंटिफिक प्रूफ पर ही निर्भर रहना पड़ा। पुलिस ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस या परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर रिपोर्ट पेश की, जिसमें सबसे पहला और मुख्य सबूत था सुचित्रा के गायब होने की डेट्स का प्रशांत की गूगल सर्च की डेट से मैच करना, वो सर्च जिसमें मर्डर करने के और लाश ठिकाने लगाने के तरीके खोजे गए थे। दूसरा प्रशांत की पत्नी और माँ बाप के बयान थे, जिसमें उन्होंने माना कि प्रशांत ने कैसे उन्हें बिना किसी तय कार्यक्रम के अचानक ही घूमने के लिए भेज दिया। उन्हें घर से भेजने की कोई वजह प्रशांत नहीं बता पाया। 17 मार्च से 22 मार्च तक प्रशांत के फ़ोन की लोकेशन लगातार उसके घर की ही थी, जैसे वो घर से निकला ही नहीं था। ये बहुत अजीब था, आज के ज़माने में कोई 10 मिनट के लिए भी घर से बाहर बिना फ़ोन के नहीं जाता। इन सारी कड़ियों को जोड़कर रिपोर्ट बनाई गई और कोर्ट में पेश की गई। मुकदमा चला और हत्या के 2 साल बाद 15 मई 2023 को इस मामले में फैसला आया। कोल्लम की सेशन कोर्ट ने प्रशांत नाम्बियार को सुचित्रा पिल्ले की हत्या के जुर्म में 14 साल की आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई, साथ ही उस पर 2.5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। ये अपने आप में एक अनोखा केस है, जिसमें प्रत्यक्ष गवाह और सबूत नहीं थे। सारी कार्यवाही साइबर प्रूफ, फॉरेंसिक रिपोर्ट और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर हुई। जिस टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर प्रशांत ने क्राइम किया था, उसी टेक्नोलॉजी की वजह से ही वो पकड़ा गया और उसे सज़ा भी हुई। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।